दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट फूड प्रोसेसर इन इंडिया के बारे में। दोस्तों फूड प्रोसेसर एक ऐसा अप्लायंसेस है जो हर घर की किचन में होना ही चाहिए। इसकी मदद से आप चॉपिंग, स्लाइसिंग, ग्रेटिंग, सिट्रस पेस, आटा नीडिंग, ग्राइंडिंग और जूस मेकिंग जैसे सभी काम बड़े ही आसानी से और बड़े ही कम समय में कर सकते हैं। यदि आप एक फूड प्रोसेसर और मिक्सर ग्राइंडर लेना चाहते हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा फूड प्रोसेसर आपके लिए बेस्ट होगा, तो आज इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों इस लिस्ट को बनाने के लिए हमने 14 बेस्ट सेलिंग फूड प्रोसेसर इन इंडिया को सेलेक्ट किया था। उनकी क्वालिटी, रिलायबिलिटी, वारंटी, परफॉर्मेंस और कस्टमर फीडबैक का पूरा एनालिसिस करने के बाद हमने ये लिस्ट आपके लिए तैयार की है ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट फूड प्रोसेसर और मिक्सर ग्राइंडर सेलेक्ट कर सकें। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद ठाकुर। आप देख रहे हैं स्मार्ट प्रोडक्ट कैफे यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस चैनल पर मैं होम अप्लायंसेस और किचन अप्लायंसेस रिलेटेड रिव्यू एंड अपडेट्स लेकर आता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और यदि ये वीडियो देखने के बाद आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। दोस्तों फूड प्रोसेसर लेते समय आप एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि आपको हमेशा 600 वाट से ज़्यादा कैपेसिटी की मोटर का फूड प्रोसेसर लेना चाहिए ताकि आपको परफॉर्मेंस मिलती रहे। और यदि आप जब पहली बार फूड प्रोसेसर को ऑन करेंगे तो हो सकता है उसमें से कुछ स्मेल आए, तो डरने की कोई बात नहीं है। ये स्मेल मोटर की अवेयरनेस में से आती है। यदि ज़्यादा स्मेल बार बार आती है तो आपको सर्विस सेंटर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। दोस्तों ये पांचों ही प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं। सेल और ऑफर की वजह से इनके रेट चेंज होते रहते हैं, तो एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं और वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। इन सभी प्रोडक्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक टॉप 5 बेस्ट फूड प्रोसेसर और मिक्सर ग्राइंडर इन इंडिया के बारे में। तो इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर आता है फिलिप्स की तरफ से डेली कलेक्शन HR7629 मिनी फूड प्रोसेसर। इसका प्राइस है 5000 रुपये के आसपास। इसमें आपको 650 वॉट की मोटर और 2 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल जाती है। इस फूड प्रोसेसर के साथ आपको 2 लीटर मेन बाउल, 1.7 लीटर जार, सिट्रस प्रेस टूल, स्टेनलेस स्टील एस ब्लेड, रिवर्सेबल डिस्क और अदर ब्लेड अरेंजमेंट मिल जाते हैं। इस फूड प्रोसेसर में आप श्रेडिंग, कोर स्लाइसिंग, फाइन स्लाइसिंग, सिट्रस प्रेस और आटा नीडिंग जैसे सभी काम कर सकते हैं। लेकिन इस फूड प्रोसेसर के साथ आपको ग्राइंडर जार नहीं मिलते, यानी आप इसमें ग्राइंडिंग के काम जैसे चटनी या मसाला वगैरह बनाना नहीं कर सकते। इस फूड प्रोसेसर में आपको 2 स्पीड कंट्रोल स्विच और इंटरलॉकिंग डिजाइन मिल जाता है, यानी जब तक जार मशीन से पूरी तरह लॉक नहीं होगा तो मशीन स्टार्ट नहीं होगी। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यदि आपके पास ऑलरेडी एक मिक्सर ग्राइंडर है और आप एक अच्छी क्वालिटी का फूड प्रोसेसर लेना चाहते हैं तो आप इसको जरूर चेक करें। इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है बजाज की तरफ से मैवरिक फूड प्रोसेसर और मिक्सर ग्राइंडर। इसका प्राइस है 7999 के आसपास। इसमें आपको 750 वॉट की मोटर मिलती है, साथ साथ इसमें आपको 2 ईयर ऑन प्रोडक्ट और 5 ईयर ऑन मोटर की वारंटी मिल जाती है। इस फूड प्रोसेसर के साथ आपको 1 मेन बाउल, 3 जार ऑफ कैपेसिटी 1.5 लीटर, 1 लीटर और 450 ml, 1 कोकोनट स्क्रैबर और 6 ब्लेड अरेंजमेंट मिल जाते हैं। फूड प्रोसेसिंग बॉल की मदद से आप इसमें श्रेडिंग, चॉपिंग, आटा नीडिंग जैसे सभी काम कर सकते हैं और कोकोनट स्क्रैबर की मदद से आप कोकोनट को भी स्क्रैब कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्राइंडर जार की मदद से आप ग्राइंडिंग के भी सभी काम इसमें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको फ्रूट जूसर नहीं मिलता, यानी आप इसमें जूस नहीं निकाल सकते। इसकी मोटर में आपको 3 स्पीड कंट्रोल स्विच भी मिल जाता है। तो दोस्तों यदि जूसर को छोड़ दें तो ये फूड प्रोसेसर आपकी किचन के सभी काम बड़ी आसानी से कर सकता है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है इनाल्सा की तरफ से INOX 1000 वाट फूड प्रोसेसर। इसका प्राइस है 8500 के आसपास। इसमें आपको 1000 वाट की पावरफुल मोटर मिल जाती है, साथ ही साथ इसमें आपको 2 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी मिल जाती है। इस फूड प्रोसेसर के साथ आपको 2.4 लीटर मेन बाउल, 1.5 लीटर ब्लेंडर जार, 1 लीटर ड्राई ग्राइंडिंग जार, 400 ml चटनी जार और ब्लेड एसेसरीज मिल जाती हैं। इस फूड प्रोसेसर में आप चॉपिंग, स्लाइसिंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, ग्रेटिंग, आटा नीडिंग, चटनी और जूस मेकिंग जैसे सभी काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिसमें आपको 1000 वाट की पावरफुल मोटर मिल जाती है, 3 स्पीड कंट्रोल स्विच और इंटरलॉकिंग डिजाइन मिल जाता है जिससे सेफ्टी भी बनी रहती है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है प्रीति जॉर्डियक की तरफ से MG218 मिक्सर ग्राइंडर और फूड प्रोसेसर। इसका प्राइस है 8000 के आसपास। इसमें आपको 750 वॉट की वेगा WS मोटर मिल जाती है, साथ ही साथ इसमें आपको 2 ईयर ऑन प्रोडक्ट और 5 ईयर ऑन मोटर की वारंटी भी मिल जाती है। इसके साथ आपको 2.1 लीटर मास्टर चेफ जार, 3-in-1 इंस्टा फ्रेश जूसर,
और 3 स्टील जार ऑफ कैपेसिटी 1.5 लीटर 1 लीटर और 0.5 लीटर मिल जाते हैं। 2.1 लीटर मास्टर चेफ जार की हेल्प से आप इस फूड प्रोसेसर से आटा नीडिंग, चॉपिंग, स्लाइसिंग, सिट्रस प्रेसिंग, मीट मिंसिंग और ग्रेटिंग जैसे सभी काम बड़ी आसानी से और काफ़ी कम समय में कर सकते हैं। इसके साथ आपको 3-in-1 इंस्टा फ्रेश जूसर मिलता है, जिससे आप सेंट्रीफ्यूगल जूसर की मदद से फ्रेश जूस निकाल सकते हैं, सुपर एक्सट्रैक्टर की मदद से कोकोनट मिल्क भी निकाल सकते हैं और ब्लेंडर की मदद से शेक्स और लस्सी को भी बना सकते हैं। 3 स्टील जार की हेल्प से आप इसमें चटनी और ग्राइंडिंग जैसे बाकी सभी काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इवन ड्राई हल्दी को भी ग्राइंड कर सकते हैं। इस ग्राइंडर के साथ आपको 3-point स्पीड कंट्रोलर स्विच, ओवरलोड प्रोटेक्शन और साथ साथ इंडिकेटर भी मिल जाता है। दोस्तों, अगर इन सभी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करूं तो इस ग्राइंडर में आपको ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ साथ परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, जिससे आप किचन के लगभग सभी तरह के काम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और मैं इसको काफ़ी रिकमेंड करता हूं। अब चलते हैं नंबर 1 की तरफ, लेकिन वहां जाने से पहले यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसको एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस लिस्ट में नंबर 1 पे आता है फिलिप्स की तरफ से HL7707 मिक्सर ग्राइंडर और फूड प्रोसेसर। इसका प्राइस है 7799 के आसपास। इसमें आपको 750 वॉट की मोटर मिल जाती है, साथ ही साथ 2 ईयर वारंटी ऑन प्रोडक्ट और 5 ईयर वारंटी ऑन मोटर की भी मिल जाती है। इस फूड प्रोसेसर के साथ आपको 2.2 लीटर प्रो जार, 1.5 लीटर वेट जार, 1 लीटर मल्टीपर्पज जार, 0.5 लीटर चटनी जार और बाकी ब्लेड अरेंजमेंट मिल जाता है। इसके 2.2 लीटर चेफ प्रो जार में आप चॉपिंग, स्लाइसिंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, ग्रेटिंग और आटा नीडिंग जैसे सभी काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके पल्प एक्सट्रैक्टर की हेल्प से आप कई तरह के जूस बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं और मल्टीपर्पज जार और चटनी जार की हेल्प से किचन के बाकी काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ भी आपको 3-speed कंट्रोल स्विच और इंटरलॉकिंग डिजाइन मिल जाता है। तो दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो आपके किचन के हर तरह के काम कर देगा। तो यदि आप बेस्ट ब्रांड का बेस्ट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कंक्लूजन की और आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि कौन सा फूड प्रोसेसर आपको लेना चाहिए। तो ये पांचों ही काफ़ी अच्छे हैं, इनमें से कोई भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से। लेकिन अगर मैं अपनी चॉइस की बात करूं तो मुझे फिलिप्स और प्रीति के फूड प्रोसेसर और मिक्सर ग्राइंडर की परफॉर्मेंस और क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। इस लिस्ट में कौन सा फूड प्रोसेसर आपको बेस्ट लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और यदि आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे दूंगा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।